हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने जो प्रीवियस सेशन लगाया था फिजिक्स का, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट डन हो गया था हमारा। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके सामने एक टर्म लिखी हुई है, रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो या एक ही एक्सिस के अलोंग जा रहे हो। सपोज करो आप या तो इधर से आपने मोशन स्टार्ट किया, दिस इज ओरिजिन, या तो आप आगे की तरफ जाइए या फिर पीछे की तरफ जाइए, दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो या तो ऊपर की तरफ जाइए या फिर नीचे की तरफ जाइए, दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशन या फिर इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। इसे हम लोग वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। वन डायमेंशन का मतलब क्या है, या तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड के अलोंग होगा। अब एक और भी हो सकता है, या तो आप ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हो लेट मी से लाइक दिस, या फिर ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हो। आप कभी भी ऐसे मूव नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ वन डायमेंशन मोशन। क्योंकि यहां पर अगर मैं इसका एक ग्राफिकल प्लॉट करूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सपोज करो आप ओरिजिन पर अभी यहाँ पे हो और आपने ऐसे मूव करना शुरू कर दिया और यहाँ पे आप पहुँच गए, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी एक्स की भी कोई पोजीशन है और वाई की पोजीशन भी चेंज हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही एक्सिस की वैल्यू चेंज होती है, दूसरी वैल्यू या तो जीरो रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसे मोशन में जा रहे हो तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो बेसिकली दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन हमने किसकी बात करनी है, सिर्फ वन डायमेंशन मोशन की बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको ग्राफिकल समझाया, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर ही बना रहे हैं। सपोज कर ले ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे मूव कर रहा है, ये सभी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू किसी पर्टिकुलर के लिए चेंज, सॉरी एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन जो वाई है वो फिक्स है। यहाँ पर वाई जीरो है, यहाँ पर सपोज कर लो वाई वन है, यहाँ पर सपोज कर लो वाई टू है और यहाँ पर थ्री है। तो इस मोशन के लिए वाई की वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कि सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये वन डी है। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू टू है लेकिन एक्स चेंज हो रहा है, तो ये भी वन डी है। तो यहाँ पर भी वन डायमेंशन है, यहाँ भी वन डायमेंशन है। आप क्या सिर्फ आगे ही मूव कर सकते हो वन डी में, बिल्कुल नहीं, हम लोग बैक भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ये भी आपका वन डायमेंशन मोशन है जिसमें आप पीछे की तरफ जा रहे हो, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और मैं पीछे की तरफ भी जा सकता हूँ। तो ये क्या है, मैं सिर्फ आगे या पीछे जा रहा हूँ तो एक ही डायरेक्शन में मेरी वैल्यू चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सपोज करो मैं ऐसे जा रहा हूँ, या जैसे मैं अब आगे आ रहा हूँ ऐसे और मैं ऐसे पीछे जा रहा हूँ, तो ये भी वन डायमेंशन है। और अगर मैं ऐसे जाऊं टेढ़ा लाइक दैट ऐसे, तो दिस इज नॉट वन डायमेंशन, क्योंकि मैं यहां पर एक्स और वाई दो वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी होती है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि कोई बॉडी जो है वो फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, इनवर्ड भी जा सकती है या आउटवर्ड भी जा सकती है, लेकिन रहेगा एक ही डायमेंशन जो उसका चेंज होगा, बाकी डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। ओके, उसके बाद
अब आपने एक टर्म देखी यहाँ पे लिखी काइनेमेटिक्स, इसको पढ़ने से पहले आइए कुछ यहाँ पे चलते हैं। हमने एक टर्म लिखी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो जब वो या तो रेस्ट पे होती हैं या फिर मोशन में होती हैं, और उनकी मोशन की क्या वजह होती है, जब आप इनको स्टडी आउट करते हो तो वी कॉल मैकेनिक्स। ये तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। स्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी कि स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, या फिर जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं वो सभी कैंसिल आउट हो रही हैं, जीरो हो रही हैं, मतलब इक्विलिब्रियम बन रहा है। सपोज कर लें ये ब्लॉक है एक 1 kg का, इसे इधर से भी फोर्स के साथ पुल किया जा रहा है और इधर भी से पुल किया जा रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो यानी कि जो आपका ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे रहने वाला है, तो वो स्टैटिक्स में आएगा। नेक्स्ट, अगर बॉडी मोशन में होती है तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉज की बात नहीं करते कि मोशन अगर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, हमें वजह से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ ये स्टडी करना होता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन क्या थी, अभी क्या है और इन फ्यूचर क्या हो सकती है, हमें फोर्स या जो भी उस पर लग रही है उससे कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ काइनेमेटिक्स जो हम लोग यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे, और कुछ स्टैटिक्स भी आता जाएगा। जो अगला है कि कॉज ऑफ मोशन, कि किसी बॉडी ने मोशन शो क्यों किया या अपना मोशन चेंज क्यों किया, दैट कम्स अंडर कॉज ऑफ मोशन, और वो आता है डायनामिक्स के अंदर। कॉज, कॉज का मतलब वजह, कि आखिरकार वजह क्या है मोशन के चेंज होने की, या मोशन की भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये चेंज इन मोशन या मोशन का क्या मतलब हुआ है मैं बताता हूँ। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, मतलब ना तो वो मैग्नीट्यूड बदल रही स्पीड का ना डायरेक्शन बदल रही, तो फिर उस स्टेट में उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्या लगती है, ज़ीरो लगती है। और जब फोर्स ज़ीरो लगती है तो फिर वो कौन से पे आता है, अपना स्टैट में आता है, लेकिन स्टैट में तो क्या है, बॉडी क्या होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ये भी बात करते हैं कि अगर रेस्ट पे है तो यानी कि फोर्स आर इक्विलिब्रियम, तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास जो फोर्स जीरो आती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, चेंज इन मोशन की बात ज़्यादा प्योर तरीके से करना चाहते हैं, कि डायनामिक्स का मतलब है कि मोशन आपका चेंज हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर डायनामिक्स, और इन सभी को प्लस करके यू विल गेट मैकेनिक्स। तो ये कहानी है जो आप लोग यहाँ पर जानते हैं। ओके, तो इसको अपा इरेज करते हैं और अब शुरू करते हैं जो टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो आपकी बुक में कवर किया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने से पहले हमें वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो पहले मैं वेलोसिटी से शुरुआत करूँगा। What is velocity? Velocity क्या होती है? 9th क्लास का टॉपिक है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी का किसी पर्टिकुलर टाइम में उसे अपन वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं ये ओरिजिन है, बॉडी पहले पॉइंट ए पे गई, लेट मी से 3 meters, फिर सीधे चली गई 4 meters, और ये डिस्टेंस कवर किया लेट मी से 10 seconds में,
और ये वाला कवर कर दिया लेट मी से 20 सेकेंड में। तो आपने निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब सबसे पहले तो ओ से लेकर ए तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, मैंने इसको वी वन मान लिया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बिल्कुल सीधा गया है तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो ओ से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं बात करूँ ए टू बी की, इसको मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए, यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी ए टू बी। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, एक सीधी लाइन है आगे, डिस्टेंस है 4 मीटर, टाइम लिया है 20। यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब बात करते हैं ओ से बी की। अब यहाँ पे असली आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल। अब देखिए ऑब्जेक्ट वी ओ ए बी, क्योंकि पहले ओ से ए गया, ए से बी गया। अब मैं इस पूरे मतलब मोशन के लिए वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ओ से लेकर बी तक पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूँगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पाइथागोरस लगाकर ये आपका 5 मीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओ बी, यहाँ पे जब ओ ए की बात की या फिर ए बी के लिए मैंने बात की, तो क्या था, जो आपका डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था, इसलिए कोई खास हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं ओ से लेकर फाइनल पोजीशन बी तक जाता हूँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, तो इसीलिए मैंने ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और जो टाइम है वो टोटल आएगा। टोटल टाइम मतलब इसको आप T1 लेट कर लो और इसको आप T2 लेट कर लो, तो T1 + T2। तो व्हाट इज ओ बी, ओ से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है, टाइम है 10 + 20, तो 10 + 20 बोले तो 30, तो यू विल गेट 1/6 0.16 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आ गई कि ऑब्जेक्ट आपका ओ से ए, ए से बी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। अगर आपको वेलोसिटी क्लियर हो जाती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट यही चीज होती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अब एवरेज वेलोसिटी बी ए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आप जैसे यहां पर गए 0 से A, A से B गए, अब आपने ये जो अपने वेलोसिटी है वो सेम थोड़ी रखी, आप O से लेकर A तक 0.3 मीटर की उससे चले गए वेलोसिटी से, फिर A टू B आपके 0.2 से गए, तो मतलब आपने पहले थोड़ी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर आपकी कम हो गई। तो ऐसे ही होता है, एक पर्टिकुलर आप जगह पर जाते हो तो हमेशा एक फिक्स स्पीड या वेलोसिटी से हम लोग नहीं मूव करते, कई बार हमारी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है। तो फिर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसे ही हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी भी रास्ते के दो पॉइंट आपने उठा लिए और आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो एवरेज वेलोसिटी, तो आप उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल कर टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। तो ये होगी एवरेज वेलोसिटी। कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सा ही कंसेप्ट है। लेकिन अब ये आता है जो टॉपिक हमने समझना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज होती है, ओके, एवरेज के लिए जो नोटेशन है जो हमने मतलब यूज करना है वो है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी फॉर्मूला में। व्हाट इज डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुई है, व्हाट इज डेल्टा टी, जो भी टाइम इंटरवल लगा है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर,
किसी पर्टिकुलर टाइम पर। मतलब सपोज करो आप 10 बजे सुबह 10 बजे कहीं चले और 10:30 पर आप कहीं जगह पहुंच गए, तो आप क्या करोगे 10 बजे जहां पे थे, सपोज कर लो ये आपका ओरिजिन लगा लेते हैं 0 और ये आप लेट मी से 2 किलोमीटर आप चले, तो अगर आपसे कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी निकाल दो तो व्हाट विल यू डू? आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर का है, 2000 मीटर में चेंज कर लेते हैं, व्हाट इज टाइम? आधा घंटा, यानी कि 1800 सेकेंड, 1800। तो ये आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी जब आप किसी जगह सपोज कर लेते हैं ए से बी के लिए निकले। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि मुझे ये बताओ कि आप 10:16 पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपकी वेलोसिटी बताओ कितनी थी, तो उस टाइम पर आपकी जो वेलोसिटी है उसे वी कॉल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एवरेज तो एज अ होल के लिए हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया बिल्कुल उसी टाइम पर जिस टाइम की बात की जा रही है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये हो तो हो गया आपका एवरेज, एवरेज के लिए नोटेशन है। अगर मैं इसकी लिमिट लगा दूं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं तो मैं बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम की बात करता हूं, तो मतलब टाइम डिफरेंस क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली जीरो होना चाहिए। अगर मैंने 10:16 की बात की तो 10:16 ही आने चाहिए। तो डेल्टा टी क्या होता है इसमें? बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल होगा, हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं? जीरो। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको dx/dt लिखते हैं। तो मतलब एवरेज के लिए डेल्टा और इंस्टेंटेनियस के लिए डी, और ये बेसिकली डेरिवेटिव भी है, इसको आप डेरिवेटिव भी बोलते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी बात करेंगे जब आप थोड़ा बढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल के लिए आप क्या याद रख लें, dx/dt इंस्टेंटेनियस है एंड dx/dt एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई होगी, वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कोई ज़्यादा इतना नहीं है। अच्छा, अब मैं एक ग्राफिकल से आपको समझाता हूँ कहानी कि क्या चीज़ है, और साथ में देखते हैं कि कुछ हमारा ग्राफ ही है हमारा, ठीक है, ग्राफ ही बनाते हैं। एक मोशन बनाएंगे हम लोग समझने के लिए, देखिए हम लोगों के पास ये पोजीशन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स यहां पे एक्स एक्सिस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन कह लो या डिस्टेंस कह लो, क्या कहा उन्होंने, डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस कह लेते हैं मीटर में, और दिस इज अ टाइम सेकंड। तो इन्होंने इस मोशन को कुछ ऐसा समझा, ये क्या आपको बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कई बार वेलोसिटी या स्पीड कम हो रही है तो बढ़ रही है लाइक दैट, ऐसे बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही। तो ये चीज़ है, ये आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है, सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म होता तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कहीं आप ये मत समझो कि 2D बना दिए, तो ये 1D ही है मतलब मोशन, तो क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम बना रहे हो कि पोजीशन डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, लेकिन वो बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है,
अब इधर देखिए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे इस पे दो पॉइंट बना लिए, ये टी वन टाइम टी वन एंड दिस इज टाइम टी टू, दो टाइम ले लिए मैंने टी वन एंड टी टू एंड दिस इज पॉइंट वन पी वन एंड दिस इज पॉइंट टू पी टू पोजिशन। तो टी वन पे ऑब्जेक्ट हमारा पी वन पॉइंट पे है या पोजिशन पे है, या इतना डिस्टेंस कवर किया है उसने इतना लगा लो, और टाइम टी टू पर इतना कवर किया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी सपोज करो। अब मुझे P1 और P2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो व्हाट विल आई डू, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर ये मोशन आपका ऐसे जा रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट बनानी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप P1 और P2 को जॉइन कर दो, तो P1 और P2 को मैंने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, सबसे छोटा रास्ता लेना होता है। तो P1 और P2 अभी ऐसे कट के जा रहे हैं, ये लगा लो P1 है ये P2 लगा लो, रास्ता मान लो ऐसे है P1 से P2 जाने का, लेकिन अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना हो तो मैं ऐसे सीधा जाऊंगा, तो इसलिए मैंने P1 और P2 को स्ट्रेट जोड़ दिया, ठीक है। तो अब P1 और P2 जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास किसकी, डिस्टेंस की। तो यहाँ पर अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो व्हाट विल आई डू, तो मैं करूँगा क्या, P1 P2 का जो भी डिस्टेंस आएगा उसे मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज T2 माइनस T1, T2 में से अगर मैं T1 माइनस कर दूं तो इतना टाइम आ जाएगा, तो इतने टाइम में जो P1 P2 का डिस्टेंस है और P2 का डिस्टेंस है P2 माइनस P1, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, P2 माइनस P1, तो फिर ये आपको क्या दे देगा, ये आपको वैल्यू दे देगा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा ये आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। और P2 माइनस P1 अगर हम लोग एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएं, यहाँ पर लाइक दिस ऐसे एक ट्राइंगल बनाए, तो ये वाला जो लेंथ है दिस इज P2 माइनस P1, ये P1 है और ये P2 है, तो P2 माइनस P1 हो गया ये वाला डिस्टेंस, एंड दिस इज T2 माइनस T1, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, 90 एंगल हो गया। तो P2 माइनस P1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, T2 माइनस T1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10th क्लास में आपने किया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास अगर डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वहाँ पर मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो मैं उस ग्राफ का क्या करूँ, स्लोप कैलकुलेट कर दूँ तो tan थीटा, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका, किसी भी इंटरवल पे, दो इंटरवल्स के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो, सिंपली स्लोप की वैल्यू फाइंड कर दो, उन दो पॉइंट्स को जॉइन कर दो, एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लीजिए और आपका tan थीटा आएगा और वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये तो होगा तरीका कि एंगल से भी पता कर सकते हो, वैल्यू से भी पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस पर कैसे पहुंचा जाएगा, इसको मैं इरेज कर दूं एक बार, फिर आपके साथ बात करता हूं मैं। देखिए ये पोजीशन हो गया और ये टाइम हो गया, अपन ने P1 और P2 यहां पे लिए। अब अगर मैं ये पॉइंट थोड़े क्लोज कर दूं, मतलब क्लोज करने का मतलब क्या है, मैं इस पॉइंट को यहां पे ले आऊं Q2 और Q1, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे Q1 और इस इंटरवल में
एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। मैं पॉइंट्स को थोड़ा और करीब ले आता हूँ और करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ये पॉइंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे, और इस पॉइंट के लिए जो टाइम डिफरेंस होगा डेल्टा टी वो अप्रोच कर जाएगा जीरो पे। कहाँ पे अप्रोच कर जाएगा? जीरो पे, मतलब जीरो नहीं कर सकते लेकिन इतना ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट जीरो ही लगेगा। और अभी हमने बात की कि मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ एवरेज कैसे, अगर मैं उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है, तो जब मैं इसकी एक लाइन खींच रहा हूँ तो ये जो लाइन है ये क्या बन रही है? ये बन जाती है टेंजेंट। ये इस कर्व को, इस पॉइंट को मैं आर नाम देता हूँ। आर पॉइंट पर क्या कर रही है? टेंजेंट दे देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, अगर आप उसका स्लोप वहां पर फाइंड आउट कर दोगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं स्लोप फाइंड करूँगा और वो स्लोप टेंजेंट का होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी। एंड फाइंड करने का तरीका वही रहेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी डी एक्स बाय डी टी। हमने यहाँ पे नोट किया था ये वाला डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर इसे आप लोग लिमिट, अब देखो डेल्टा टी किसके अप्रोच कर गया? जीरो के अप्रोच कर गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये कहानी है आपकी। तो मतलब क्या है, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो जो भी रास्ता है, जो भी मुझे इंटरवल पता करना है, वहाँ पे मैं दो पॉइंट मार्क कर दूँ, उसमें मैं स्लोप निकाल दूँ टैन थीटा, और मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। अब मैं उसको पास पास करता चलूँगा दोनों पॉइंट्स को, और पास करने पे एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट बन जाएंगे, और उस पॉइंट पर मुझे क्या मिलेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, इंटरवल भी नहीं सॉरी टाइम पर। और वो फाइंड करने का वे या तरीका क्या है कि मैं वहाँ पर भी स्लोप कैलकुलेट करूँ, क्योंकि वहाँ पर जो लाइन में खींच रहा हूँ वो एक टेंजेंट का काम कर रही है। व्हाट इज़ अ टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है जब आपकी किसी कर्व को कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर हो गया, क्योंकि दो जो पॉइंट थे ये धीरे धीरे इतने ज़्यादा पास आ गए कि ऑलमोस्ट ये एक ही सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगे। तो अगर मैं उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर दूँ तो मुझे उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये कहानी है कि स्लोप ऑफ द, अच्छा अब जो बातें दो इम्पॉर्टेंट हैं जो हम लोग कंक्लूजन निकला है ग्राफ से, तो वो क्या चीज़ है कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या फाइंड करना है? स्लोप किसका? ऑफ लाइन का। टैन थीटा होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर दूं मैं, टैन थीटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है तो फिर अगेन मैं स्लोप निकालूंगा, लेकिन अब मेरा स्लोप किस चीज का निकलेगा? टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, क्योंकि अब वो जो लाइन में खींच रहा हूं, जो लाइन मैंने खींची है वो एक टेंजेंट का काम करेगी, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो भी मुझे टैन थीटा ही देगा। और उसको मैं कैसे लिखूंगा?
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, या फिर सिंपली डी एक्स बाई डी टी। डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव बोलते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, ये एवरेज है। ओके, तो इतना क्लियर होने के बाद अब स्पीड की बात भी करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी समझ ली तो स्पीड तो बहुत आसान है। स्पीड क्या होता है? अगर आप वेलोसिटी में से डायरेक्शन को ख़त्म कर देते हो तो वो स्पीड बन जाती है। मतलब अगर मैं स्पीड में, अगर ऐसे बोलें, अगर मैं स्पीड बोलूं और उसके साथ डायरेक्शन भी बता दूं कि इसे डायरेक्शन में है, तो वो वेलोसिटी कहलाती है। अगर मैं सिर्फ वैल्यू बोल रहा हूँ, लेट मी से मैंने बोला 25 मीटर पर सेकंड, तो आपको पता चला कि कोई चीज़ है जिसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपको उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं पता कि कहाँ पे जा रही है, कहाँ से आ रही है, नो, यू हैव नो आइडिया, तो वो क्या है? स्पीड है। लेकिन अगर डायरेक्शन भी मैंशन हो जाए तो फिर वो स्पीड वेलोसिटी कहलाना शुरू कर देती है। तो जैसे मैंने पढ़ा था, वेलोसिटी स्पीड भी वही होती है, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर लिख लेते हैं हम लोग इसको इरेज करके। अगर मैं स्पीड की फॉर्मूला की बात करूं तो स्पीड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को टोटल पाथ भी लिख सकते हैं, तो टोटल कितना अपन चल रहे हैं, कितना अपन ने कवर किया है, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। फिर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये वही कहानी है, जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस पे, वही इंस्टेंटेनियस क्या होती है? स्पीड भी होती है। तो मैं इसको सीधा क्या लिख दूंगा? इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि पर्टिकुलर इंटरवल पे ये दोनों चीजें बराबर होती है। इंटरवल में फिर क्या जाता हूं, इंटरवल नहीं, प्रॉपर एक टाइम पर, एक प्रॉपर टाइम पर। अब जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ी होगी या फिर उससे बराबर होगी, कभी भी छोटी तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड किसके ऊपर निकल रही है? टोटल डिस्टेंस के ऊपर निकल रही है। और एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर निकलती है? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एंड वी ऑल नो कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बड़ा मिलेगा या फिर उसके इक्वल मिलेगा, अगर वो स्ट्रेट जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है। ज़रा सा टर्न कर लिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे से जा रहा है, यहाँ पर मान लो ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो ए टू बी अगर यहाँ तक मोशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन बी के बाद वो सी पे टर्न कर गया। जैसे ही उसने टर्न किया, अब यहाँ पर डिस्टेंस तो होगा ए से बी और बी से सी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी ए से लेकर सी तक। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं आएंगे, तो हमेशा सीधे ही जाना पड़ेगा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल करना है, और अगर नहीं होता तो उस केस में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। और इसीलिए एवरेज स्पीड भी हमेशा या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आती है या फिर उससे बड़ी आती, कभी भी छोटी नहीं आ सकती। ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होती है, तो उस टाइम पर दोनों सेम होते हैं, और बाकी तो क्लियर ये चीज़। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हमारी बुक में से और देखते हैं कि हमने सही समझा है। तो मेन तो बात वही है कि स्लोप की बात क्लियर करवाई है इन्होंने, कि अगर आपके पास डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ है ये कह लो, तो उससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी।
अब जैसे यहाँ पे है, एग्जाम्पल है मेरे पास कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। देखो अब जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई और ये वाई एक्सिस बनाई, ये ओरिजिन हो गया। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, हो गया ना। देखो वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में एक ही डायमेंशन आना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी इक्वेशन दी है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये पोजीशन दी हुई है मुझे, दिस इज द पोजीशन। ए की वैल्यू दी हुई है 8.5 मीटर और बी की वैल्यू दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी जो है वो टाइम है जो सेकंड्स में मेजरमेंट किया हुआ है। हमसे पूछा है वेलोसिटी बता दो एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, और साथ में पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी बता दो बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। लो तो हमें 2 से 3 चीज़ें पता करनी है, तो चलिए फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स पोजीशन है। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है, जीरो एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। तो इसका मतलब है मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है, और जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मैंने अभी बात की है कि मुझे बात करनी है डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी आपको क्या इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है डी एक्स बाई डी टी, जो कि वेलोसिटी के इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। जो ए है वो एक फिक्स वैल्यू है कॉन्स्टेंट। अब आपको याद क्या रखना है, जब अकेला डेरिवेटिव अकेला कॉन्स्टेंट होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू, अकेली वैल्यू कॉन्स्टेंट है, अकेला ए है अकेला यहाँ पे, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा किसी के भी विद रिस्पेक्ट हो। अगर अकेला है वो, जैसे 2 है 3 है 8.5 है, साथ कुछ भी नहीं लगा होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा जीरो। तो मैंने जीरो लिख दिया। उसके बाद आ गया बी। अब बी भी तो एक कॉन्स्टेंट है 2.5, लेकिन बी के साथ टी स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि बी अकेला नहीं है, तो बी को तो बी लिख देंगे, लिख दिया। अब आगे टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ डेरिवेटिव का अभी फिलहाल के लिए। ओ ये टी इज इक्वल टू से एक फॉर्मूला है मेरे पास कि अगर मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो, इधर मैं टाइम डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स एन माइनस डी वाई बाई डी एक्स कर देते, ये फॉर्मूला फिलहाल के लिए आप याद रखिए, डी वाई बाई डी एक्स को भी खत्म कर देते एक्स, ये करो। मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों सेम सेम है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर होगी जो भी हो उसको आगे ले आओ, फिर x या जो भी होगा उधर वेरिएबल वो सेम टू सेम लिख दो, और जितनी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दो। यहाँ पर यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब इधर देखिए इसको अप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर है डी बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है टी, तो मैं डी टी लिखूँगा, एक्स की जगह पर टी आ गया, एक्स की पावर एन मेरे पास कौन है, टी स्क्वायर है,
तो मैं क्या करूँगा इसे टी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को आगे ले आओ तो टू आगे आ गया, फिर एक्स वेरिएबल यानी कि टी, एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा टू में से वन गया वन, टू टी आ गया, यानी कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पे और यहाँ पर सेम है, मतलब एज पर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी और फिर वेरिएबल रह जाएगा और उसकी पावर में से वन माइनस कर देंगे, तो वी आ जाएगा मेरे पास टू बी टी। तो ये वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना मेरा इस क्वेश्चन के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब पहले मुझे जीरो पे पता करना है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 2.5 है, t 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो अभी रेस्ट पर है, 0 पे है, टाइम 0 पे, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो 0 और साथ में यूनिट जरूर लिखेंगे मीटर पर सेकंड। उसके बाद 2 पे पता करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 कर दूंगा, टाइम की जगह सिंपली 2 कर देना है बस, बी तो फिक्स ही है 2.5, कोई है ही इशू, 4, 5 to 10 आ गया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आ गई, चेक कर लेते एक बार आंसर, 10 एंड 0, यस ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डन, 0 पे और 2 पे। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर पता करनी है वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस होता है, लिखें ना लिखें आपने समझना है। अब यहाँ पे 2 और 4 के बीच में पता करनी है, तो ये एवरेज हो गई क्योंकि अब एक प्रॉपर टाइम इंटरवल है, इसको इरेज कर देते हैं अपना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट टोटल, कह लो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें पहले क्या करना है, x पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है उसकी हेल्प से पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं अपन, x 2 सेकंड पर निकालते हैं अपन, a कितनी है 8.5, b कितना है 2.5, टाइम t है 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 2.5 को 4 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो वी विल गेट 18.5 मीटर। ये 2 सेकंड पर उसका मतलब पोजीशन हो गया, पोजीशन हो गई। और फिर मुझे 4 पे पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी, तो a की वैल्यू तो फिक्स है, b की वैल्यू भी फिक्स है, t में 4 पुट कर देंगे, ये t जो है 4 का स्क्वायर, 8.5 4 का स्क्वायर 16 और 2.5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 यानी कि 40, ठीक, तो ये आ जाएगा 48.5 मीटर। आप इसको कैसे समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज कर लेते 18.5 टाइम 2 सेकंड पे और फिर यहाँ पे पहुँच गया 48.5 4 सेकेंड पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 2 है, फाइनल 4 सेकेंड पे है, 2 पे वो 18.5 पे है, 48.5 पे मतलब 4 सेकेंड पे 48.5 पे है, तो इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 48.5 माइनस 18.5 तो ये आ जाएगा आपका 30 आ गया। टाइम कितना है 4 माइनस 2 यानी कि 2, सो वी विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लें, यस। तो मतलब एवरेज जो मोशन रहा ऑब्जेक्ट का वो 15 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ से यहाँ तक वो मूव किया है 2 सेकंड के लिए,
और पहले 2 सेकंड के लिए कहाँ मूव किया, स्टार्टिंग में वो यहीं पे था टी जीरो पे, हमने निकाला था टी जीरो पे उसकी वेलोसिटी जीरो थी और यहाँ थी, और टी टू पे जो वेलोसिटी आई थी वो हमारी आई थिंक आई थी 10 आई थी शायद, 10 ही आई थी ना, यस 10 आई थी, तो यानी कि वो 10 से स्टार्ट हुआ लेकिन एवरेज 15 मीटर पे पहुँचा, यानी कि उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की और ये हमारा न्यूमेरिकल टर्न। तो जब भी अकेला वेलोसिटी पूछा है किसी भी टाइम पर तो वो इंस्टेंटेनियस है, वो आपको डेरिवेटिव करना है, और अगर एवरेज की बात करेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरीके से यस ये हमारा डन हो गया। तो आई जस्ट होप कि आपको आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्लियर हुआ होगा, ग्राफ स्पेसिफिकली क्लियर हुए होंगे, डिफरेंस समझ में आया होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।